गोपी तालाब आपने गए हैं? गोपी तालाब, हाँ, गोपी तालाब गए हैं। तो गोपी तालाब भगवान बलराम और कृष्ण ये दोनों भाई गोपी तालाब गए थे जी। और यहाँ पर जो है महारानी लोग भगवान की बाल लीला का जो वृंदावन का है वो वर्णन कर रही थी, और सुभद्रा जी को उन्होंने गेट पे बैठा रखा था। सुभद्रा जी उस समय छोटी थी, तो बोले तुम ध्यान रखना तुम्हारे भाई आए तो अंदर नहीं आने देना। तो जब ये वापस आए तो सुभद्रा ने दोनों भाइयों को आसपास बैठा लिया, बोले तुम यहीं रुको अभी अंदर नहीं जाओगे। अच्छा हाँ, तो जब वो बैठ गए तो वो सब महारानी जो चर्चा कर रही थी तो उसमें इतने भाव विभोर हुए कि ना हाथ उनके न नेत्र जो है एकदम गोल हो गए। और उसी जगह भगवान नारद जी पधारे, नारद जी ने कहा जय श्री मन्नारायण प्रभु, ये क्या लीला है, ये क्या स्वरूप है, ये कब दर्शन होगा? तो भगवान ने कहा था ये हमारा जगन्नाथ स्वरूप है और कलयुग में हम उड़ीसा में प्रकट होंगे और तब हमारी बहन साथ में होगी, महारानी की कोई जगह नहीं होगी। अच्छा। भगवान जगन्नाथ स्वरूप है जिसमें बहन भाई है, जिसमें कोई महारानी की जगह नहीं है जी। तो वो ये जगह स्वर्ण तीर्थ है। दूसरा यहाँ का इतिहास है कि यहाँ पर कर्ण जब भी भगवान से मिलने आए जी, तो उनके जो भी राजा सूर्यवंशी बचे हैं तो यहाँ सूर्य भगवान का 125 किलो गोल्ड का मूर्ति था। अच्छा। इसी जगह में मंदिर यहाँ दूसरा था वो खंडित हो गया, तोड़ दिया गया, वो सोमनाथ से पहले ही लुट गया। ओहो, इसलिए इसको स्वर्ण तीर्थ बोलते हैं। और जो तालाब है उसमें एक कुंड है, सूर्य कुंड उसको बोलते हैं, उसमें यंत्र है। तो इसी नाम से ये भगवान को स्वर्ण तीर्थ करके जाना था। वो यहाँ के अब्राहम स्वर्ण 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 के राक्षस को मारा, उस भगवान यहाँ सोए थे, विश्राम किए थे, ये सब अभ्रंश है, अभ्रंश है, ये कोई इतिहास नहीं है। नहीं। तो ये स्वर्ण तीर्थ सूर्य भगवान का, और जो समयंतक मणि थी जो जामन जी लेके गए थे वो मणि रखने की भी जगह यही। ओहो, यहाँ से जो हमारा साधना रूम बना है जी, तो ये साधना रूम से अंडरग्राउंड, लेकिन अब वो हमने बंद कर दिया है जी। और यहाँ जब हम खुदाई काम किए थे तो ये तो कुआं है जी, ये 45 फुट गहरा है, हम तो इसको पैक कर दिए हैं। अच्छा। अंदर पानी पूरा भरा क्योंकि कनेक्शन एक हो गया जी। तो यहाँ से रास्ता ये द्वारकाधीश मंदिर, और द्वारकाधीश मंदिर से राणावाव। अच्छा अच्छा। और बंदर वाह, क्यों जामंद का गुफा आपने सुना जी, हाँ जी, जी। तो वहाँ तो मणि लेकर के इसी रास्ते से गए थे भगवान, भगवान जामवन जी, जामवन जी। अच्छा, तो जामवन जी फिर भगवान भी खोजते खोजते इसी रास्ते से गए थे। ओहो, तब वो वहाँ जाकर के युद्ध करके वो अपना वापस लेकर वापस मणि लिया है। अच्छा, तो इस ये मेन इतिहास यहाँ का है जी, स्वर्ण तीर्थ का जी, कि यहाँ पर मणि भी रहती थी। ओहो। और भगवान ने जो है जगन्नाथ स्वरूप का दर्शन सर्वप्रथम नारद जी को इसी जगह दिया था। और कर्ण की स्मृति में सूर्य भगवान 125 किलो गोल्ड के सूर्य भगवान। अच्छा वाह, तो वो गोल्ड के गए हैं, वो मंदिर भी नहीं है। फिर पाषाण विग्रह सूर्य का ये बना था, ये मंदिर बनवाए थे हमारे गोकुलदास महाराज जी करीब 900 वर्ष पहले। अच्छा। इसमें पत्थर की मूर्ति थी सूर्य भगवान की, सूर्य भगवान जी, वो 22 जून 1932 को अंग्रेज लोग ले गए। ओह माय गॉड, उनका शासन था 32 में। और ये ओखा मंडल गायकवाड़ में आता था, बड़ोदरा में, ये जामनगर की स्टेट नहीं है जी जी, ये बड़ोदरा में था। तो महाराज जी जो हमारे पहले महाराज जी थे तो उन्होंने काफ़ी बहस भी किया, लेकिन वो तो सत्ता उनकी थी, तो फिर गायकवाड़ को लेके आए, बोले नहीं महाराज जी बेइज्जती करके ले जाएंगे मूर्ति, ये ले जाएंगे तो ले जाएंगे। और ये मूर्ति हाल में ब्रिटेन में है, हमने उस लेटर लिखा था तो रिस्पॉन्स भी मिला। अच्छा। हाँ, जवाब आया। तो फिर ये तीसरी बार तो सरकार बाहर से जो मूर्तियाँ चली गई है वो लाने का प्रयास कर रही है, ठीक है तो वो इसमें उम्मीद है? हाँ हाँ, नहीं इसको तो अभी कोई ज़्यादा ट्राई नहीं है, लेकिन सूर्य भगवान की अपनी करीब 36-37 मूर्तियाँ हैं। अच्छा। ओल्ड इंडिया से वो चली गई सब। हाँ, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी ने प्रयास कर रहे हैं, और उससे जो है कोई मतलब नहीं है, लेकिन मूर्तियाँ लाने से मतलब, क्योंकि मूर्तियों को ठीक है हमको मिल जाएंगी, लेकिन हमको पहले अपना अस्तित्व बचाने की सोचना चाहिए। हाँ हाँ। तो ये तीसरा विग्रह जो भगवान का लगाया, वो कब लगाया? वो हमने 96 में लगाया। आपने लगाया? हाँ, खुद ने? खुद ने। अरे वाह। ये मंदिर आपको बताया कि हम 40 वर्ष हुआ है द्वारका में हमको। अच्छा। 80 से यहाँ, जब द्वारका में कुछ भी नहीं था। अच्छा। बिल्कुल छोटा सा द्वारका था, एक गाँव जी। 80 से हम यहाँ सेवा में हैं। अच्छा। और ये भी मंदिर बिल्कुल खंडहर हो गया था। हमारे पहले जो महाराज जी थे जी, उनका जन्मभूमि लाहौर का था। अच्छा। भारत पाकिस्तान उन्हीं के सामने बंटवारा हुआ जी, है। जी जी जी। सारी उन्हें परिस्थिति, और जब वो शरीर छोड़े 126 साल उनका एज था, द्वारकाधीश की एज पर उन्होंने शरीर छोड़ा। अच्छा। और 126 साल में लास्ट दिन भी अपने हाथ से भोजन बना के पाके
ओहो तो फिर हमने इसको करीब 94-93 से जीर्णोद्धार चालू किया, क्योंकि ये सब टूटा पड़े थे, सब खंडहर हो गए थे। अच्छा, कुछ नहीं था यहाँ का, 100 एकड़ जमीन था, तो जमीन भी गांव के लोगों ने सब कब्जा करके कर लिया, भी इतना बचा जो पीछे बाड़ी है वो सब अपना है। अच्छा, और इसका कोई सरकारी टैक्स नहीं, हमारा सेल्फ है, ये मालिकी का है। अच्छा, हाँ, वैष्णव समाज की। तो फिर धीमे धीमे करके प्रूव, और इसमें सहयोग जो MLA हैं यहाँ के, पगुआ माने जी, उनके बड़े भाई, उनका सपोर्ट ज़्यादा रहा, अभी तो वो नहीं है दुनिया में। जी जी जी, तो जीर्णोद्धार में सब उन लोग। अच्छा, बस रूम है साहब उसमें हमारा, साधना मेडिटेशन और भजन साधन के लिए। अच्छा, बना लिया आपका। गुरु जी आपका शुभ नाम क्या? हमारा बजरंग दास, बजरंग दास जी महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप वहाँ चरण तीर्थ जो है उधर आप तपस्या करते थे और आपको सांप ने काटा था? ये आपको कहाँ से पता चला? वहाँ पता चल गया, और तो ढूंढते आए, इसलिए तो ढूंढते आए, और आप ध्यान में बैठ गए और फिर गुरु महाराज की कृपा से आपको सांप का जहर उतर गया, ऐसा कुछ? संकल्प किया था अगर जिंदा रहूं तो रहेगा। इधर आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग राजकोट से आए जी जी, और ये मेरे दोस्त हैं। हाँ, नहीं कहते जी,